अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो है हमारी की प्रोग्रामिंग और रिमोट प्रोग्रामिंग के बारे में, जो कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरत है। और काफ़ी सारे हमारे जो भाई हैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग का काम नहीं आता, जो बाहर से करवाते हैं और बहुत ज़्यादा पैर वाले चार्ज कर लेते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, गाड़ी में बैठ के सिर्फ डोर से लॉक अनलॉक से आपकी रिमोट प्रोग्रामिंग भी हो जाती है और आपकी की प्रोग्रामिंग ट्रांसपोंडर मैचिंग भी हो जाता है। कई मॉडल्स में नहीं होता, कई मॉडल्स में हो जाता है। तो तरीका जो हर गाड़ी का अपना तरीका होता है, वो आपको सिंपल सी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री तरीका बताता है आपको, जस्ट आपके पास नेट होना चाहिए। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाके हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं WIKIRKE। विकी रिकी को सर्च करेंगे हम, तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा उसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक कर लेते हैं। आगे हमारे पास चार इंटरफेस आ गए हैं। सबसे पहले जो गाड़ियों का है, दूसरा ट्रक्स का है, तीसरा शिप्स का है और चौथा बाइक्स का है। हमारा काम जो है वो बाइक्स का है, सॉरी कार्स का है। तो हम कार्स को हम सेलेक्ट करेंगे। कार्स को सेलेक्ट किया है तो अभी हमारे पास तमाम इसमें कार्स आ गई हैं। जो इसमें हमारे पास है कोरा, अल्फा, ऑडी, BMW, बुगाटी, कैडिलैक है, चेंग सुजुकी है, शेवरलेट है, क्रिस्टल क्रिस्टन, डेवो D800, डॉग है, ईगल वगैरह है, फिट है, फोर्ड है, GMC, ग्रेट वॉल, होंडा हमर, हुंडई इन्फिनिटी, इसुजू, जैगुआर, जीप है, या तमाम जो हमारे पास मॉडल जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये शायद किसी मुल्क में सारी गाड़ियाँ हों, लेकिन जो हमारे पास हैं, हम लोग जिसका ज़्यादा काम करते हैं, एक टोयोटा, सुजुकी, होंडा और BMW, मर्सिडीज़ हैं। तो हम लोग इजी इजी वे पे जाते हैं, जो हमारे लोग ज़्यादा समझते हैं। तो हम टोयोटा को सिलेक्ट करते हैं। टोयोटा में अभी मुख्तलिफ आ गई हैं, फोरनर वगैरह, टोयोटा के तमाम मॉडल आ गए हैं जी। अल्टेज है, ओरियन है, क्रोला वगैरह, कैमरी है, उसके बाद क्रोला टू क्रोला के तमाम मॉडल्स हैं। टोयोटा के तमाम मॉडल्स इसमें आ गए हैं जी। IS, हाईलैंडर, हाईलैक्स है, लैंड क्रूज़र है, मार्क टू है, पासो है, प्राडो, प्रियस, RAV4 वगैरह, तमाम टोयोटा की गाड़ियाँ जो हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं, जिसका काम होता है यहाँ पर। हम इसमें से किसी को सिलेक्ट करते हैं, हाईलैक्स को ले लेते हैं। हाईलैक्स में भी अभी चार जनरेशन आई है, फिफ्थ जनरेशन है, सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन और एट्थ जनरेशन। जो फिफ्थ है वो 90s की सीरीज़ है, देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्स जो है वो उससे ऊपर है, 2000 से 2002 है। सेवन जो है हमारे पास इससे ऊपर है, 2005 से 2014 तक है। उसके बाद एट जनरेशन जो हमारे पास 2015 से ऊपर ऊपर 2016, 17, 18 सेम है। हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, न्यू मॉडल को चेक करते हैं इसकी किस तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग हो जाएगी, रिमोट मैच हम किस तरह कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरह की हमारे पास चाबी होती है, चाबी की पिक्चर भी आ रही है इसमें। तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है हमारा। इग्निशन स्विच ऑन नहीं होना चाहिए, जो है हमारे हाथ में चाबी होनी चाहिए, चाबी इग्निशन में नहीं होनी चाहिए। इनसाइड की इनटू इग्निशन, सिर्फ इग्निशन में हमने इंटर करनी है और 5 दफ़ा इन आउट करनी है 10 सेकंड के अंदर, और स्विच ऑन पे हम लोगों ने छोड़ना है। उसके बाद हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे 5 दफ़ा, उसको 5 दफ़ा ऑन ऑफ करके 10 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग ऑन पोजीशन पे छोड़ देंगे। ओपन एंड क्लोज द ड्राइवर डोर वंस एंड स्विच द इग्निशन फ्रॉम ऑन टू ऑफ विद इन 30 सेकंड। तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है हमारा। तो इसी तरह हम और गाड़ियों के भी हम मैचिंग कर सकते हैं, और गाड़ियों के भी हमारे पास इसी तरह मैच हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, डिलीट भी हो जाती है, कॉपी भी हो जाती है, ऐड भी हो जाती है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमें यार